हम इस सेशन में अमेजॉन ECS पे डॉकर इमेज डिप्लॉय कैसे करेंगे वो समझेंगे, एंड अमेजॉन ECS क्या है वो समझेंगे, एंड उसके रिलेटेड क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी है टू डिप्लॉय डॉकर इमेज। तो डॉकर एक माइक्रो सर्विस डिप्लॉयमेंट के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एंड उसको माइक्रो सर्विस को कंटेनर बोलते हैं। तो कैसे ऑल ओवर प्रोसेस होती है वो समझेंगे इस सेशन के अंदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ECS। सो अमेजॉन ECS कंटेनर सर्विस इज हाईली स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस दैट सपोर्ट डॉकर कंटेनर एंड अलाउ यू टू द इजीली रन एंड स्केल कंटेनराइज एप्लीकेशन ऑन AWS। अमेजॉन ECS एलिमिनेट्स द नीड फॉर यू टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट योर ओन कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर मैनेज एंड स्केल अ क्लस्टर ऑफ वर्चुअल मशीन्स और शेड्यूल कंटेनर ऑन दोज मशीन्स। ये हाईली सपोर्टेड है एंड हाईली परफॉर्मेंस देने वाला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे आपको खाली आपके इमेज डिप्लॉय करनी है डॉकर इमेज। दूसरा क्या है कि इन केस आपको खुद को करना है तो आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने पड़ेंगे, वर्चुअल मशीन बनाने पड़ेंगे, तो वो प्रॉब्लम अभी इस ECS में नहीं रहेगा। ये आपको खाली आपके डॉकर इमेज अपलोड करनी है और कॉन्फ़िगरेशन करना है, बाकी अमेजोन उसके हिसाब से ऑटो स्केल एंड बाकी रेस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हैंडल कर लेगा। आपको खाली आपका कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली करना पड़ेगा। ओके, तो बेनिफिट्स क्या है? तो कंटेनर्स विथआउट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कंटेनराइज एवरीथिंग, मतलब आपको मल्टीपल कंटेनर इंस्टॉल कर सकते हो, आप डिपेंड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट। सिक्योर है क्योंकि रिलेट आप आपको अमेजोन IAM रोल देना पड़ेगा दूसरी सर्विस को एक्सेस करने के लिए, तो मतलब विथआउट IAM रोल कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। परफॉर्मेंस ऑन स्केल, मतलब कि आपको डिपेंड ऑन आपके कॉन्फ़िगरेशन, आप परफॉर्मेंस के लिए ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि जैसे मतलब इतने कॉन्फ़िगरेशन के बाद मेरा ऑटो स्केल हो जाना चाहिए, तो आप वो कर सकते हो। डिज़ाइन फॉर यूज़ विद अदर AWS सर्विस, ये सारे AWS सर्विस के साथ ऑलमोस्ट इंटीग्रेटेड है, जैसे कि S3 है, DynamoDB है, CloudWatch है, तो बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट वो आपको फुलफिल करेगा। जैसे आपको कोई एक्सटर्नल डेटा राइट करने, तो आप DynamoDB में राइट कर सकते हो। तो अभी हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। तो ओवरऑल प्रोसेस कैसे काम करती है ECS की? तो बिल्ड कंटेनर इमेज करनी पड़ती है, जो आपको डॉकर इमेज बिल्ड करनी है और आपको उसको रिपोजिटरी में अपलोड करना है AWS की। सेकंड वन है कि आपको एप्लीकेशन डिफाइन करनी है, उसमें आता है कि आपको क्लस्टर डिफाइन करना है एंड उसके अंदर टास्क डेफिनेशन डिफाइन करने का, जहाँ पे आपको कंटेनर के कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा कि कौन सी इमेज आपको रन करनी है। लॉन्च कंस्ट्रेंट, मतलब का आप कंटेनर, मतलब आपको कंटेनर को रन करना है जो ECS सर्विस से होता है, एंड सारे मैनेज करने। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे पूरा वेब सर्वर डिप्लॉय करने का, जहाँ पे हम अपाचे सर्वर डिप्लॉय करने जा रहे हैं, एंड पूरी प्रोसेस थ्रू आउट देखेंगे। तो देखते हैं अपाचे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो पहला यहाँ पे मेरी देख सकते हो, यहाँ पे ECS के होम पेज पे जाएंगे तो मैंने एक ऑलरेडी रिपोजिटरी बनाई हुई है माई डॉकर नाम की, तो आप देख सकते हो। और नई रिपोजिटरी बनाने के लिए जस्ट आपको क्रिएट रिपोजिटरी करना है, रिपोजिट का नाम देना है, एंड वो आपको एक रिपोजिटरी की URI वापस देगा। तो बेस्ड ऑन URI आपको आगे का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ पे मैंने एक रिपोजिटरी ऑलरेडी बनाई हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 इमेज अपलोड की हुई है एंड उसमें से एक इमेज को टैग दिया है लेटेस्ट। तो बेस्ड ऑन वो टैगिंग के हिसाब से काम करता है, एंड कैसे पुश करते हैं वो अभी हम देखते हैं कि मेरी लोकल इमेज को मुझे ये रिपोजिटरी में कैसे पुश करनी है। तो व्यू पुश कमांड्स आप देख रहे हो ऊपर बटन, उस पर अपने को क्लिक करना है और वो अपने को डिटेल कमांड्स देता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको कौन सी इमेज रन करना है वो टैगिंग के हिसाब से होता है, तो आपको वो ध्यान रखना है। ओके, तो व्यू पुश कमांड के अंदर यहाँ कमांड्स ऑफ लिस्ट है, इसमें फर्स्ट कमांड है जो लॉगिंग के लिए होता है, ये कमांड आपको कॉपी करना है और आपके लोकल सिस्टम में पेस्ट करना है। ये आपको रिटर्न में एक लॉगिन कमांड देगा जो डॉकर लॉगिन कमांड होगा। सॉरी, मेरा सिस्टम में एक इश्यू है तो नो ईमेल इंक्लूड वाला मैं अभी निकाल देता हूँ। आपको अगर सेम इश्यू आता है तो आप भी निकाल सकते हो, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके, तो ये मुझे डॉकर लॉगिन कमांड देता है एंड ये कमांड मैं फिर से फायर करूंगा तो मेरा डॉकर इमेज लॉगिन करने के लिए यहाँ पे रहेगा जो AWS पे रहता है। यहाँ पे मेरे को सेम इश्यू है तो मैं यहाँ पे -e
ना ये इश्यू अगर आपको आए तो ये आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये मेरा सिस्टम लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी लोकल इमेज मेरे AWS अकाउंट पे स्टोर करूँगा। तो मेक श्योर कि आपकी AWS क्रेडेंशियल प्रॉपरली कन्फिगर हो ये लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो अभी अपना जो नेक्स्ट कमांड जो था टैगिंग करने का, तो उसमें पहले क्या है कि हम डॉकर इमेज देखेंगे देखेंगे कि कौन सी इमेज को मुझे टैग करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉकर इमेजेस करोगे तो आप लिस्ट ऑफ इमेजेस आपको मिलेगी, उसमें मेरी जो web-test नाम की इमेज है उसको मुझे पुश करना है। तो इसमें मैंने मेरा अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो टैगिंग करने के लिए आप एक कमांड है देख सकते हो जो फोर्थ नंबर कमांड है, तो डॉकर टैग माई डॉकर फिर लेटेस्ट करके वो टैग दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने को पेस्ट करना है, बट आपको माई डॉकर वो इमेज का नाम है तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे web-test कर रहा हूँ, तो ये टैगिंग करेगा, ये web-test नाम की इमेज को लेटेस्ट टैगिंग करेगा। अभी अब हम क्या करेंगे, जो टैगिंग हुआ वो इमेज को अपलोड करेंगे, उसके लिए जो फिफ्थ नंबर का कमांड है वो अपलोड करता है। ओके, तो ये अभी मेरी लोकल इमेज अपलोड हो रही है AWS ECS रिपोजिटरी में, मेरे ऑलरेडी सेम इमेज वहाँ पे अपलोडेड है, तो ये चेक करेगा, बोल देगा कि आपकी इमेज ऑलरेडी एग्जिस्टेड है विथ लेटेस्ट टैग। दिस ये थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ी इमेज बड़ी होती है अपलोड होने में। तो अभी मेरी इमेज अपलोड हो गई है, तो यहाँ पे ओवरऑल मेरी आप देख सकते हो लेटेस्ट टैग वाली एक इमेज पड़ी हुई है। तो फर्स्ट स्टेप अपना ये था कि रिपोजिटरी में अपनी डॉकर इमेज अपलोड होनी चाहिए। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप क्लोज कर दिया कि यहाँ पे अपनी इमेज लेटेस्ट टैग के साथ पड़ी है। अभी हम जाते हैं क्लस्टर में, तो यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट करते हैं, एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो हम EC2 लिनक्स वाला लेंगे एंड क्लस्टर का नाम देते हैं, मतलब कि मुझे इस क्लस्टर में मल्टीपल इंस्टेंस रन करने थे, मैं काम करता हूँ सर्वर्स नाम देते हैं, एंड EC2 इंस्टेंस टाइप में आप T2 मैक्रो देते हैं। ठीक है, कितने इंस्टेंस रन करने हैं तो हम एक इंस्टेंस बाई डिफॉल्ट देते हैं। दूसरा है कि अमेजोन AMI प्रीडिफाइन सिलेक्टेड होता है, और AMI के अंदर अमेजोन ने डॉकर के जो रिलेटेड जो डिपेंडेंट मॉड्यूल सारे इंस्टॉल होते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता, आपको वो खुद ही सिलेक्ट कर लेता है। तो ये इमेज के अंदर खाली आपको समझने के लिए कि इसके अंदर ऑल डॉकर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो अभी नंबर ऑफ इंस्टेंस 1 रखते हैं, एंड आपको अगर SSH चाहिए की तो आपको की कनेक्ट कर सकते हो। बाकी का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे VPC है जो नेटवर्किंग के अंदर, तो आप एग्जिस्टिंग VPC दे सकते हो या तो नया VPC क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नया VPC के साथ जा रहा हूँ, और बाकी के कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट है। दूसरा है कि आपको IAM रोल चूज करना है, और इन केस नहीं है तो आपको नया IAM रोल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी एक क्लस्टर हमने बना दिया, थोड़ा टाइम लगता है बनाने के लिए, तो जब तक क्लस्टर बन जाए तब तक हम टास्क डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो टास्क डेफिनेशन के अंदर अपने को अपने कंटेनर कॉन्फ़िगर करना है कि मुझे मेरी सर्विस कौन सी रन करनी है, उसके रिलेटेड क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू टास्क डेफिनेशन करोगे तो आप अपनी टास्क कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, और उसके अंदर आपको नाम देना है, IAM रोल देना है, नेटवर्क कौन सा है वो यूज़ करना है, कि मतलब हाई लेवल मुझे होस्ट OS के साथ कौन सा नेटवर्क यूज़ करना है वो कॉन्फ़िगरेशन देना है। यहाँ पे ऑप्शन है, ब्रिज है, होस्ट है, एंड एड कंटेनर में आपको आपके डॉकर इमेज रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन देना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई है टास्क डेफिनेशन, उसको यूज़ करेंगे हम। नई टास्क डेफिनेशन विथ न्यू वर्जन के साथ ही बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर रहा हूँ कि हमने वेब सर्वर बनाए थे, काम करते वेब सर्वर ही नाम देते हैं, तो वेब सर्वर 1। ठीक है, और टास्क रोल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ECS टास्क का, नेटवर्क ब्रिज दिया है, मेमोरी यहाँ पे हम नहीं दे रहे क्योंकि वो मेमोरी सेम चीज़ हम कंटेनर में भी दे सकते हैं, तो मैं मेमोरी कंटेनर में दे रहा हूँ। एंड नीचे मैंने वेब सर्वर नाम का जो कंटेनर है उसके अंदर मैंने कंटेनर का नाम दिया है वेब सर्वर, एंड यहाँ पे इमेज का URI दिया है जो इमेज हमने रिपोजिटरी में अपलोड की है। तो URI कहाँ से लेंगे वो एक बार देख लेते हैं, अपने को बैक जाना पड़ेगा रिपोजिटरी में देखने के लिए। ठीक है, तो माई डॉकर में जाएंगे तो यहाँ पे अपने को URL, ARN और URI मिलेगा, तो ये URI है उसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पे, यहाँ
एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे कि इमेज में कौन सा लेना है। यूआरआई के पीछे आपको टैगिंग देना है कि आपको कौन सा टैग वाला इमेज लेना है, क्योंकि आपको वहाँ पे मल्टीपल इमेजेस पड़ी होंगी, तो आपको वो ध्यान रखना है कि कौन सा टैगिंग वाला लेना है। इन केस आप कोई टैगिंग नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो लेटेस्ट वाला टैगिंग ले लेता है। ठीक है, सॉफ्ट लिमिट में मतलब मेमोरी की लिमिट दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड पोर्ट मैपिंग है क्योंकि अपना वेब सर्वर है तो 8080 पोर्ट मैपिंग दिया, बाकी का कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट है। सीपीयू एक दिया हुआ है, एंड हम लॉगिंग के अंदर मुझे मेरे सारे लॉग AWS क्लाउड वॉच में लिखने हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लाउड वॉच का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, तो आप एक बार वो भी देख लेते कि क्लाउड वॉच का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे किया है। तो मैंने क्लाउड वॉच के अंदर एक लॉग ग्रुप बनाया अपाची आईपन सर्वर, और उसके अंदर एक स्ट्रीम बनाया अपाचे नाम का। क्लाउड वॉच के अंदर लॉग्स में जाना है, और यहाँ पे मैंने देखो अपाचे सर्वर नाम का एक लॉग ग्रुप बनाया, उसके अंदर अपाचे नाम की स्ट्रिंग बनाई, तो इस स्ट्रिंग में अब मेरा लॉग सारे राइट हो गया। अभी मतलब अपनी सर्विस चालू नहीं है तो कोई लॉग आएंगे नहीं। ठीक है, वापस जाते हैं एंड टास्क डेफिनेशन को अभी क्रिएट करते हैं, बाकी के सिक्योरिटी एंड रिसोर्स लिमिट लॉकर के कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट में जाते हैं। एंड जैसे मैं न्यू टास्क डेफिनेशन करूँगा तो मेरे वेब सर्वर नाम की टास्क क्रिएट होगी, तो आप देख सकते हैं वेब सर्वर कॉलम 1 मेरा फर्स्ट इमेज मतलब वर्जन मेरा क्रिएट होगा। आप जैसे ही अपडेट करते हो तो दूसरा वर्जन क्रिएट करेगा, इन केस आपको पुराने वर्जन के साथ रन करना है आपकी सर्विस, वो भी रन हो सकती है, तो आपको खाली वो ध्यान रखना है कि कौन से वर्जन में आपने क्या चेंज किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी न्यू टास्क डेफिनेशन क्रिएट हो गई है वेब सर्वर 1 नाम की। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सारे डॉकर को जो रिसोर्सेज चाहिए उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। ओके, अभी अपना कंटेनर इंस्टेंस रनिंग है क्लस्टर के अंदर, सर्व हम जाते हैं एंड यहाँ पे अपने को सर्विस क्रिएट करनी है टास्क डेफिनेशन को रन करने के लिए। तो टास्क डेफिनेशन कौन सी रन करनी है यहाँ पे वो चूज करना है, कौन से क्लस्टर पर रन करना है एंड सर्विस का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं वेब सर्वर 1 नाम की टास्क रन कर रहा हूँ एंड सर्विस का नाम दे रहा हूँ अपाची सर्वर। कितने टास्क एट ए टाइम रन करनी है मेरी, तो अभी मैं एट ए टाइम एक टास्क रन कर रहा हूँ, बाकी के कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट है। लोड बैलेंसर अभी हम डिफॉल्ट के साथ ही जा रहे हैं एंड ऑटो स्केलिंग भी हम डिफॉल्ट के साथ जा रहे हैं, बट ऑटो स्केलिंग के कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टास्क कितनी देनी है, डिजायर्ड नंबर ऑफ टास्क कितनी देनी है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क कितनी देनी है। मिनिमम पे मेरे 2 ही होने चाहिए, मैक्सिमम ऑटो स्केल 8 तक होने चाहिए, तो उसके हिसाब से वो मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्फ़िगरेशन करता है। ओके, तो अभी सर्विस क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अपनी सर्विस क्रिएट हो गई है एंड ये सर्विस अपने टास्क को रन करेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। अपनी सर्विस यहाँ पे देख सकते हो डिजायर काउंट 1 है एंड अभी अपनी टास्क रन नहीं हुई बट हो जाएगी, तो आप रिफ्रेश करो तो ये स्टेट मिलेगा आपको, और इवेंट्स में आपको आपके उसके लॉग्स मिलेंगे। ओके, तो अभी अपनी टास्क रन हो गई है, अपना वेब सर्वर यहाँ पे रन हो गया है एंड ये ग्रुप नेम है, कौन सी टास्क डेफिनेशन रन हो रही है और वेब सर्वर का क्या स्टेटस है वो आप देख सकते हो। ओके, टास्क पे क्लिक करोगे तो डिटेल्स मिलेगी उसके सर्वर रिलेटेड क्या रनिंग हो रहा है, एंड वेब सर्वर पे क्लिक करोगे तो उसके कॉन्फ़िगरेशन है। क्लाउड वॉच पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो क्लाउड वॉच में आपको लॉग मिलेंगे आपके वेब सर्वर जो अभी चालू हुआ। ओके, तो अभी ये लॉग दिख रहा है जो आपका वेब सर्वर बूट हुआ उसके साथ ये लॉग यहाँ पे क्लाउड वॉच में दिख रहा है। आप जैसे वेब सर्वर को एक्सेस करोगे तो उसके रिलेटेड भी लॉग यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक जो ये है जो आपकी वेब लिंक है जो आपके EC2 को जो IP मिला होगा, तो ये वेब लिंक आपके एक्चुअल अपाचे सर्वर को कॉल करेगा। तो मेरा फर्स्ट डॉकर इमेज है, वेलकम टू माई फर्स्ट डॉकर वेब सर्वर, एंड आप वेब सर्वर को रिफ्रेश करोगे यहाँ पे क्लाउड वॉच में तो वहाँ पे इसके भी लॉग आएंगे जो गेट रिक्वेस्ट के हिसाब से आएंगे। तो ये 2 हमने गेट रिक्वेस्ट जो लगाई, सो आप सारे लॉग क्लाउड वॉच में भी साथ में देख भी सकते हो, तो आपको खाली ध्यान रखना है कि कौन सा लॉग कॉन्फ़िगरेशन करना है क्लाउड वॉच में। सो फ्रेंड्स, ये था ECS में कैसे डॉकर को डिप्लॉय करते हैं, एंड थोड़ा बिट कॉम्प्लेक्स है बट आपको खाली ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड मेक श्योर कि आपको
रिक्वायर्ड रिसोर्स की कॉन्फ़िगरेशन पहले से पता होनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो कहाँ से देख सकते हैं, तो इंस्टेंस को क्लिक करोगे तो कौन सा इंस्टेंस अमेजन का रन कर रहा है EC2 में, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अमेजन EC2 में ये इंस्टेंस रनिंग हो रहा है, जो EC2 कंटेनर सर्विस है उसका नाम नेमिंग अमेजन ने मेंटेन किया हुआ है, तो ये इंस्टेंस वहाँ पे रन हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको स्टेप में याद रखना है कि पहले डॉकर इमेज आपको अपलोड करनी है ECS रिपोजिटरी में, दूसरा है कि आपको क्लस्टर क्रिएट करना है, थर्ड वन इज कि टास्क डेफिनेशन क्रिएट करना है, एंड फोर्थ वन इज आपको सर्विस के थ्रू आपको टास्क डेफिनेशन रन करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर योर वैल्यूबल कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।